तो मेरी ब्लूटूथ हेडफोन हो चुके हैं खराब। इसका एक स्पीकर काम कर रहा है लेकिन ये वाला स्पीकर काम नहीं कर रहा, तो मैंने सोचा यार इसको चलो ठीक करते हैं, लेकिन तुम लोगों को भी दिखाऊंगा कि कैसे तुम लोग उसको ठीक कर सकते हो। तो यार ये वाला काम नहीं कर रहा, तो चलो इसको खोलते हैं और इसके अंदर एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम है और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, लाइक सब कुछ देखते हैं। तो उसको पहले मैं खोलना स्टार्ट करूँगा, उसके लिए मैं एक कतर का यूज़ करूँगा। उसको धीरे धीरे उसके जो साइड में एक स्ट्रिप जैसा रहता है ना लगाओ, उसमें थोड़ा सा प्रेशर दूंगा और उसको खोलने की कोशिश करूँगा। रिमेंबर बहुत ज़्यादा हार्ड होता है इसको खोलना, तो यार तुम ज़्यादा प्रेशर मत देना, अदरवाइज इसका जो प्लास्टिक से बना हुआ है तो ये टूट जाएगा। तो उसको हम धीरे धीरे से प्रेशर देंगे हर तरफ से, और उसको मतलब थोड़ा सा अगर इसमें थोड़ा सा भी छेद बन जाए ना, फिर इसको खोलने में आसानी हो जाती है। तो यार इसको हम ऐसे मतलब प्रेस करेंगे, और ऐसे थोड़ा थोड़ा प्रेस करने के बाद, और देखो तुम जब उसको खुद से करोगे ना तो तुम्हें ऐसे एक मतलब महसूस होगा कि ये थोड़ा सा मतलब अंदर की तरफ ये जो कतर है ना ये जा रहा है। तो बेसिकली तुम्हें जब फील होगा तो उसको तुम ऐसे खोल पाओगे आसानी से। तो मैं ये सब यूज़ करके लाइक खोल रहा हूँ और ये धीरे धीरे जा रहा है। ये देखो थोड़ा सा आगे, तो अभी थोड़ा सा खींच दूंगा तो आ जाएगा। एक्चुअली इसमें कुछ छुपका हुआ चीज़ लगा हुआ है चिपकू वाला, तो ये खोल लिया मैंने। अभी इसके अंदर के जो ये प्लास्टिक है इसको हटा लेता हूँ। इसको हटाने के बाद इसको ध्यान से करना, तो देखो अंदर की तरफ थोड़ा सा ना आई थिंक सोल्डरिंग का प्रॉब्लम है यार, ये निकल गया, तो उसको थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ। और मेरे पास ऑलरेडी एक आयरन मशीन पड़ा हुआ है, आयरन मशीन सोल्डरिंग मशीन, ठीक है, तो वो पड़ा हुआ है, इसको लाइक यहाँ पे ठीक करने की कोशिश करूँगा। तो इसको पहले मैं क्लीन कर लेता हूँ, बिकॉज क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसको मैंने ऑन भी कर लिया, और मैं अपने मोबाइल के साथ इसको कनेक्ट करके जो है कंटिन्यूसली म्यूजिक प्ले करता रहूँगा, क्योंकि म्यूजिक प्ले करने से मुझे तो पता चलता रहेगा कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो इसको मैंने कनेक्ट कर लिया है और इसमें म्यूजिक अभी भी चल रहा है, मतलब दोनों में, तो थोड़ा बहुत सुन सकते हो। यार ध्यान से सुनाई नहीं दिया होगा क्योंकि ये बेसिकली टूटा हुआ है अंदर से, तो उसको पहले मैं ठीक करूंगा। तो ठीक करने के लिए ज़रा कुछ नहीं, इसको क्लीन कर लिया अभी। उसमें जो है सोल्डरिंग मशीन का यूज़ करते हुए मैंने जो इसको थोड़ा सा वो भी जो टूटा हुआ है उसको फिक्स करूंगा। तो चलो पहले इसको हम कर लेते हैं, और इसको जूम करके देखो तो अंदर पता चलेगा थोड़ा सा यार निकला हुआ है वायर। तो पहले हम उसको लगाएंगे और देखेंगे कि एक्चुअली वही प्रॉब्लम है या फिर कुछ और भी प्रॉब्लम है, क्योंकि यार बहुत बार ऐसा होता है ना कि मतलब जो वायर होता है उसको अगर हम खींच देते तो अंदर की तरफ से टूट जाता है, जो एक्चुअली एक प्रॉब्लम खड़ा कर देता है, मतलब वो काम नहीं करता। तो फिलहाल तो मैं इसको थोड़ा सा क्लीन करने के बाद ये थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ, और क्लीन करने के बाद बाकी जो है काम करूँगा। तो चलो इसको पहले मैं क्लीन कर लेता हूँ अच्छी तरीके से। अभी आते हैं मेन काम के, और मैं ले आया अपने सोल्डरिंग मशीन को। अभी इसको मैं कनेक्ट करूंगा बोर्ड के साथ, यहाँ पे कनेक्ट करने उसको कर दूंगा ऑन, और इसको चलो थोड़ा गर्म होने देते हैं। गर्म होने के बाद जो है लाइक काम स्टार्ट कर दूंगा। ये गर्म नहीं हो रहा अभी तक, हो जाए यार, नहीं हो रहा अभी भी। गर्म होगा तो धुआं निकलना स्टार्ट हो गया, तो ये नहीं हो रहा, तो ये गर्म हो गया है। तो अभी मैं इस पर लगा दूंगा इसे, ओके okay, तो ये लगने के बाद आई थिंक ये काम करना चाहिए। चलो अच्छी तरीके से इसको लगा लेते हैं। टिल नाउ ये अच्छी तरीके से नहीं लग रहा, तो फिर से कोशिश कर रहा हूँ अच्छी तरीके से लगाने की। और एक बात पहले ही बोल दिया हूँ कि इसमें कंटिन्यूसली गाना चल रहा है, तो मुझे सुनाई देता है जब भी ये काम करता है, और जब भी काम नहीं करता मैं फिर उस पर मतलब काम करना स्टार्ट कर देता हूँ। और ये पता चल रहा है कि अभी तक गाना अच्छी तरीके से नहीं चल रहा, मतलब बीच बीच में अटक जा रहा है, जिससे पता चलता है कि गड़बड़ स्पीकर की वहाँ पे नहीं अंदर है। तो इसको मैं खोलूंगा, अभी अंदर की वायर को देखूंगा मैं प्रॉब्लम है कि नहीं। उससे पहले मुझे ये जो एक जो मतलब है ना सोने गोल्डन कलर जैसे, उसको पहले निकालना पड़ेगा। मैंने दांत से भी निकालने की कोशिश की, वो नहीं निकला, तो किसी और मेथड से जो है मुझे ये वाला जो पिन है गोल्ड कलर का उसको निकालना पड़ेगा सबसे पहले। चलो उसको मैं कोशिश करता हूँ निकालने के लिए। बहुत ही हार्ड है उसको निकालना, बट यार आई एम स्टिल ट्राइंग। मैं ऑब्वियसली निकाल दूंगा, तो उसको प्लायर से ऐसे करने के बाद, कतर से भी देने के बाद भी वो नहीं निकल रहा, बट कोई नहीं यार, हार नहीं मानेंगे उसको, कुछ भी तरीके से मतलब किसी भी तरीके से निकाल तो रहेंगे हम लोग। तो मैं कोशिश जारी है, और उसको निकालने के बाद जो है आगे का जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट कर पाऊंगा। तो पिन निकालने के बाद उसको हम थोड़ा सा कटेंगे, ये वाला पर्शन जो आगे की तरफ है उसको थोड़ा सा मतलब कतर की मदद से कट कर दूंगा, लेकिन रिमेंबर वायर को नहीं काटना है, ठीक है। ऊपर के जब बाहर के जो प्लास्टिक है उसको काटना है, प्लास्टिक ये रबर का है वैसे, तो उसको हम निकाल लेंगे। तो मैंने कट करके यार थोड़ा सा वायर निकाल लिया, ये वाला देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग टूटा हुआ
ये देखो टूट गया है अंदर से थोड़ा बहुत, तो ये भी एक रीजन है। और मुझे अंदर की तरफ लग रहा है कि फिर से और टूटा हुआ होगा शायद, तो मैं इसको और थोड़ा सा कट करके जो है और भी निकाल के देखूंगा और उसको कतर के मैं अच्छी कटूंगा मैं। अंदर निकालने के बाद फिर से मुझे दिखाई दिया है टूटा हुआ, मतलब ये जो वायर है वो टूटा हुआ है अंदर की तरफ से। ये देखो एकदम कोने में, शायद तुमको दिखाई नहीं दे रहा होगा, रुको मैं थोड़ा सा और निकाल के तुमको अच्छे तरीके से दिखाता हूँ। ये देखो अंदर की तरफ टूटा हुआ है थोड़ा सा, तो मैं मुझे ये बहुत एक मतलब लंबा वाला जो है वायर काटना पड़ा, जिससे क्या है मेरा जो हेडफोन है उसका वायर थोड़ा छोटा हो गया। ये देखो यहाँ पे टूटा हुआ है, ये देखो ये एक्चुअली मैं जब खींचता हूँ ना तो इसकी वजह से ये हो गया है सर। तो अभी इसको क्या करूँगा मैं, काट के जो है फिक्स करूँगा। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले जो है इसको इस पोर्शन से जहाँ पे टूटा वहाँ से उसको कट करना पड़ेगा। तो मैं इस पोर्शन को उसको कट कर दूंगा सीजर की मैच से। तो यहाँ से मैंने कट कर दिया जहाँ पे वो टूटा हुआ था, और उसको थोड़ा सा जो खिस के जो इसमें तुम लोगों को पता होगा ये तांबे से बना हुआ है, तो इसका जो है लोहे को निकालना पड़ेगा, अदरवाइज इससे जो है करेंट पास नहीं होगा। तो ये गर्म करने के बाद जो है अपने उसके जो एक होता है ना यार कुछ प्लास्टिक जैसा, तो वो हट जाएगा यहाँ से और वो जो क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करूँगा अभी थोड़ा सा आयरन मेहनत की वजह से, मतलब सोल्डरिंग मेहनत की वजह से यहाँ पे जो है ये सब लगा लूँगा। तो ये है सोल्डरिंग वायर, तो उसको लगाने के बाद अभी मैं जो है इसको भी कट कर दूँगा क्योंकि ये वाला हमें ज़रूरत नहीं है। अब सीधा जो है उस दोनों वायर को यहाँ पे कनेक्ट कर दूँगा, रिमेंबर यार जो जहाँ पे था वहीं पे कनेक्ट करना, क्योंकि यार एयरफोन में भी जो यार लेफ्ट और राइट कानों के लिए डिफरेंट तरीके से बनाया जाता है, तो उसको मैं ठीक करूँगा यहाँ पे लगाने के बाद। और ये अच्छी तरीके से लग नहीं रहा तो उसको अच्छी तरीके से लगा लेता, उसके बाद जो ये काम करना स्टार्ट हो जाएगा मुझे लग रहा है। तो चलो इसको लगा लेता हूँ यार। अभी मुझे जो म्यूज़िक अच्छी तरीके से सुनाई दे रहा है, मुझे लग रहा है ये ठीक हो चुका है, इसी का रीज़न था मतलब प्रॉब्लम था एक्चुअली। तो अभी जो है इसका म्यूज़िक इस वाले एयरफोन में भी मतलब हेडफोन में भी चल रहा है मतलब स्पीकर में, तो मुझे लगता है ठीक हो गया। तो उसको फिर से चलो लगाते हैं और ठीक कर लेते हैं। तो उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, उसको फिर वापस अंदर के अंदर डालेंगे और थोड़ा सा जो है ग्लू की वजह से इसको चुपका देंगे। चलो इस सबको लगने के बाद उसको पैक कर लेते हैं हम लोग। तो इट्स टाइम, अगर पसंद है तो वीडियो यार लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और ये लास्ट वाला चीज़ है इसको देख के साथ।